नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, जब भी कभी आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा तो ट्रेन से बाहर ट्रैक के सहारे ही कई प्रकार के दोस्तों साइन बोर्ड रेलवे द्वारा लगाए जाते हैं, और उन साइन बोर्ड्स का मतलब आम आदमी को बहुत कम समझ में आता है, शायद ही किसी किसी को आता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो रेलवे ट्रैक के सहारे जो रेलवे द्वारा साइन बोर्ड लगाए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कई सारे साइन बोर्ड्स हैं, तो इन सभी साइन बोर्ड्स के मतलब हम आपको समझाएंगे एक एक करके। तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहला ये साइन बोर्ड है, देखिए एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल है येल्लो कलर का। उसके अंदर दोस्तों 45 लिखा है। ये जो 45 लिखा है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं आपका स्पीड लिमिट, यानी कि अगर ये साइन बोर्ड आ गया तो जब रेलवे के जो लोको पायलट हैं इस साइन बोर्ड को देख लेंगे, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि इस ट्रायंगल में जो अंक लिखा हुआ है, जो डाटा लिखा हुआ है, वो ट्रेन की स्पीड लिमिट है। अब वो उससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता। जैसे अभी यहाँ पे 45 लिखा है, तो जो ट्रेन का लोको पायलट है अपनी ट्रेन की जो स्पीड है उसको 45 किलोमीटर पर आवर से कम कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। अगला सिंबल है दोस्तों, एक ये सिंबल है दोस्तों, स्काई ब्लू कलर का एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक अंक लिखा हुआ है, यहाँ 100 है। तो ये दोस्तों स्पीड लिमिट सिंबल होता है आपका राजधानी और शताब्दी ट्रेन होती हैं उनके लिए। अगर ब्लू कलर के ट्रायंगल में इस तरह से कोई डाटा लिखा है तो राजधानी और शताब्दी ट्रेन चलाने वाले जो लोको पायलट हैं वो ये अपने आप में समझ लेंगे कि अब हमें जो स्पीड है इस ट्रायंगल में जो स्पीड लिखी है उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रेन को नहीं चलाना है। तो ये दोस्तों हो गया। इसके बाद अगला सिंबल है आपका, अगले हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं स्पीड लिमिट टर्मिनेशन इंडिकेटर। यानी कि अभी हमने बताया कि स्पीड लिमिट लग जाती है जो ट्रायंगल में साइन बोर्ड आता है उसमें। अब मान लीजिए स्पीड लिमिट लग रही है और एक ये वाला सिंबल देखिए आ जाता है, ये सर्कल है और उसमें लिखा है टी। इसका मतलब है दोस्तों सभी ट्रेनों के लिए ये सिंबल है टी। अगर सिर्फ टी लिखा है तो जितनी भी ट्रेन्स के लोको पायलट है सभी को ये फॉलो करना है, और टी का मतलब है कि आपकी जो स्पीड लिमिट थी अब वो टर्मिनेट हो गई है, अब आप अपनी जो भी स्पीड है उस स्पीड से ट्रेन को चला सकते हैं। अगर दोस्तों ये वाला सिंबल आता है, यानी कि एक येलो सर्कल है और येलो सर्कल में टी ऑब्लिक पी लिखा है, तो ये सिंबल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन्स के लिए है। तो पैसेंजर ट्रेन के जो लोको पायलट हैं उनके लिए होता है कि अब आपकी जो ट्रेन है उस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, स्पीड लिमिट टर्मिनेट हो गई है, आप जो भी आपकी स्पीड है उस स्पीड से अपनी ट्रेन चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए इस तरीके का सिंबल आता है, जो सर्कल है येलो कलर का उसमें लिखा है टी ऑब्लिक जी, तो ये दोस्तों होता है आपका गुड्स ट्रेन के लिए। जो मालगाड़ियाँ होती हैं, मालगाड़ियों के जो लोको पायलट हैं उनको ये बताने के लिए होता है कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो टर्मिनेट हो गई है, आप अपनी जो भी नेचुरल स्पीड है उससे अपनी ट्रेन को चला सकते हैं। अगला सिंबल है दोस्तों, यह है आपका दोस्तों जो सर्किल है येलो कलर का और उसमें लिखा है सी ओब्लिक टी। तो इसका सी का मतलब होता है दोस्तों कॉशन और टी का मतलब होता है टनल। यानी कि जब भी कोई ट्रेन अभी ट्रैक पर चल रही है और इस तरीके का सिंबल आ जाता है तो इसको देखते ही जो ट्रेन के लोको पायलट हैं वो समझ जाते हैं कि अब आगे टनल आने वाली है, जिसे हम सुरंग बोलते हैं हिंदी में। तो जो हमारी ट्रेन है वो सुरंग में घुसने वाली है, आगे टनल आने वाली है, इसका ये सिंबल होता है। तो इन सिंबल के हिसाब से ही जो लोको पायलट हैं अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं और सावधान भी हो जाते हैं अगर किसी भी प्रकार का सिंबल आता है। इसके बाद अगला सिंबल है दोस्तों, अगला सिंबल दोस्तों इस प्रकार का है। देखिए अगर ये एक स्क्वायर बॉक्स है और ये येलो कलर का है, इसमें लिखा है दोस्तों डब्लू। अब डब्लू का मतलब होता है दोस्तों विसल, यानी कि हॉर्न। तो अगर इस तरीके का सिंबल लोको पायलट को दिख जाता है
तो लोको पायलट वहां से विसिल बजाता है, यानी कि ट्रेन हॉर्न देती है। और दोस्तों अगर ये ना देख के, अगर मान लीजिए इस तरीके का दिख जाए, सर्किल में लिखा हुआ है W/L, तो यहाँ W का मतलब होता है दोस्तों विसिल, और L का मतलब होता है दोस्तों लेवल क्रॉसिंग, यानी कि आगे लेवल क्रॉसिंग आने वाली है, जिसे हम फाटक बोलते हैं, गेट बोलते हैं, वो आने वाली है, तो आप विसिल बजाइए। और इसी का मतलब दोस्तों ऊपर ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें लिखा है C/फा, तो सी का मतलब है सीटी बजाओ और फा का मतलब है फाटक आने वाला है, यानी कि जब भी कोई फाटक आने वाला होता है तब ये बोर्ड लगभग 800 मीटर पहले ये लिखा लगा होता है, और ड्राइवर को, जो लोको पायलट है, वो इस बोर्ड को देखते ही दोस्तों हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अगला दोस्तों ऑप्शन जो सिंबल है वो इस प्रकार का है, और इस प्रकार का सिंबल अगर किसी लोको पायलट को दिख जाए तो इसका मतलब है दोस्तों कि अब सिग्नल आने वाला है। तो सिग्नल आने वाला है तो जो लोको पायलट है वो सिग्नल देखने के लिए तैयार हो जाता है कि किस प्रकार का सिग्नल है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो ये सिग्नल साइटिंग बोर्ड इसको बोलते हैं, आगे सिग्नल आने वाला है। अगला है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों स्टॉप इंडिकेटर, यानी कि जो इस प्रकार का जो बोर्ड है अगर लोको पायलट देख ले तो वो समझ लेता है कि अब हमें अपनी जो गाड़ी है वो स्टॉप करनी है। अगला सिंबल है दोस्तों, अगला सिंबल दोस्तों जब भी कभी देखिए ट्रेन निकल के जाती है तो आपने ये देखा होगा कि ट्रेन के पीछे ये बहुत बड़ा एक्स बना होता है। इस एक्स का मतलब होता है दोस्तों लास्ट व्हीकल, यानी कि ये ट्रेन का बिल्कुल लास्ट वैगन है, इससे पीछे कुछ भी नहीं था। और अगर मान लो ये ना लिखा आए तो ये समझा जाता है कि इसकी ये जो गाड़ी है इसका कोई पार्ट पीछे छूट गया है। या फिर दोस्तों अगर ये ना हो, या फिर ये भी हो, एक ये भी सिंबल होता है, यहाँ एक प्लेट है रेड कलर की, उस पे वाइट कलर से लिखा हुआ है LV। LV का मतलब होता है लास्ट लास्ट व्हीकल, यानी कि ये ट्रेन का लास्ट व्हीकल है, इससे पीछे कोई भी व्हीकल नहीं था। तो ये था दोस्तों कुछ साइन बोर्ड, और साइन बोर्ड्स की जो जानकारी हमने आपको दी वो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।